कन्नौज रेप मामले के आरोपी नवाब सिंह यादव पर रेप की पुष्टि होने के बाद से राजनीति और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। सरकार के मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है और इस दौरान क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुना देते हैं। पहले से भी सारे लोगों की आम धारणा रही है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। हमेशा इन लोगों ने समाज के अराजक तत्वों को, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देने का काम किया है। उसी की घटना, चाहे वो अयोध्या की घटना लें, कन्नौज की घटना लें, ये सारी घटनाएं प्रामाणिक तौर पर सिद्ध करती हैं कि अभी समाजवादी पार्टी और उसके लोगों के द्वारा जब से थोड़ा सा इनमें ऊर्जा लोकसभा में आ गई है, तब से पुनः इनके अपराधियों ने मचलने का काम शुरू कर दिया है। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब नाम आना भी एक दुर्भाग्य है कि हर घटना में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा सामने आ रहा है और अब उसमें क्या कहा जाए। समाजवादी पार्टी जिस तरह की सत्ता में रह के हरकत की है, जिस तरह अपने लोगों का मनोबल बढ़ाया था मनमानी करने का, उसी का नतीजा है। नायब, ये भी कहा जा रहा है कि बुलडोजर की भी कार्रवाई हो सकती है। सरकार कानून से चल रही है, कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि उसकी सजा को देख करके दूसरे लोग भी भयभीत हों, लोगों के मन में भय हों कि हम अगर ऐसी हरकत करेंगे तो हमारे साथ भी इसी तरह कानून काम करेगा, तो लोगों के मन में भय व्याप्त हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि समाजवादी पार्टी बहुत गलत करती है, अपराध अपराधियों को हमेशा इन्होंने संरक्षण दिया है। समाजवादी पार्टी के 5 साल के रूल में 25,000 हत्याएं हुई। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था हत्याओं के मामले में। इन्होंने हमेशा अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया है, माफियाओं को चुनाव लड़ाया है, तो इस तरह के एलिमेंट जो अपराध करते हैं इनके यहाँ हमेशा रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। उसके बाद कोई, मैं देख रहा था, डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं और खुल के नहीं कह रहे हैं कि गलत हुआ है, बहुत गलत है। देखिए, बहुत दुखद और चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के लिए, खासतौर पर हमारे महिला सुरक्षा के लिए बहुत ही संजीदा है, लेकिन कई जगह प्रदेश में जो घटनाएं हुई उसमें खास दल के लोगों का नाम आना ये बहुत ही चिंताजनक है। हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पारदर्शी तरीके से कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति कोई भी अपराध को हम जो है बहुत संजीदगी से लेंगे और उसके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर उठाई जाएगी। अब ये बताया जा रहा है कि नवाब सिंह, इनका जो नाम आया इसमें अब रेप की पुष्टि बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि इसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगा है और सरकार द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो दुखद घटना हुई है परिवार के साथ, उस पीड़ित परिवार के साथ हम सबकी संवेदना है, हम सब उसके साथ खड़े हैं और जो भी कठोर और कड़ी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए वो हमारी योगी सरकार जरूर सख्त एक्शन लेगी और जो भी इस घटना के पीछे दोषी हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, पूरी सख्ती के साथ दोषियों से निपटा जाएगा।